welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Agar Shamli and hope you all are doing well. So, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपका favorite video. Of course, all video you guys love a lot. All videos on my channel. So, yes, क्योंकि गर्मियाँ बहुत आ गई हैं. So, this video is dedicated to summer, specially yes. This video is about, of course, आपको thumbnail देख के पता चल गया होगा. Summer wear top collection from Urbanic. Without getting further delay, let's get started. सबसे पहले है ये ब्यूटीफुल सा पैचवर्क पिंक कलर का टॉप और ये बहुत ही प्यारा है. हाउ ब्यूटीफुल दिस वन इज यू गाइस कैन सी. और इसका मटेरियल जो है वो एक निटेड पैटर्न में नहीं होता है, यूजुअली हाई नेक आती है जिस चीज की, ये बिल्कुल वैसा मटेरियल है और बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, बहुत ही प्यारा है. मतलब मुझे यूजुअली अर्बैनिक के क्लॉथ में मटेरियल क्वालिटी का कभी इशू आज तक नहीं हुआ. दिस वन इज स्मॉल साइज, तो ये तीन साइज में अवेलेबल था, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. तो मैंने फिर से स्मॉल साइज ही मंगाया है, इसका सबसे छोटा साइज ही मुझे आता है. हम बैक साइड ये एक ही कलर में है प्लेन और फ्रंट साइड इस पर पैचवर्क का जो डिजाइन है और कलर इज ऑल्सो लुकिंग सो पेस्टल एंड सॉफ्ट, लाइक बेबी पिंक टाइप फीलिंग दे रहा है. सो मुझे लिटरली बहुत पसंद आया. समर एप्रोप्रिएट थिंग, लाइक आप कहीं भी आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके लिए डेफिनेटली इसे कैरी कर सकते हैं. बहुत ही ज्यादा ओवर नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा डल नहीं दिखेगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और डिसेंट वाली वाइब देगा आपको और बहुत ही प्रिटी लुक्स लगेंगे. सो या नेक्स्ट ऑफर बढ़ने से पहले मैं आपको अपना आज का ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिखा दूं जो कि मुझे जो ऑनलाइन से रिसीव हुआ है. इट्स 100% वेगन एंड दे हैव वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ इंडियन बोहो बैग, वेदर इट कम्स टू स्लिंग बैग, शोल्डर बैग, लैपटॉप बैग, डफल बैग, एवरी काइंड ऑफ बैग्स दे हैव ऑन देयर स्टोर. सो मुझे जो रिसीव हुआ है ये ब्यूटीफुल सा पिकॉक मोटिफ स्लिंग बैग रिसीव हुआ है और आई एम इन लव विद द डिजाइन. यू नो ऑनलाइन कुछ और देखते हो, रिसीव जब होता है तो कई बार हमें चीजें पसंद भी आती हैं, जैसा दिखता है वैसा मिलता है, कई बार जैसा दिखता है उससे अच्छा मिलता है और कई बार नहीं पसंद आती है. बट ये मुझे जितना ऑनलाइन दिख रहा था ना उससे कहीं ज्यादा रियल में अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड मटेरियल इज अमेजिंग, बहुत ही टिकाऊ टाइप्स मटेरियल है. एनी वे समर्स में यू कैरी लाइट सॉफ्ट एंड कॉटन काइंड ऑफ क्लॉथ्स, तो उसके साथ ही बहुत ही अच्छा जाएगा ये आपके बोहो लुक्स के लिए, आपके एथनिक लुक्स के लिए और कहीं भी आप यू ट्रैवल कर रहे हो लुकिंग सो 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 बोहो एंड स्टनिंग. एंड इट हैज चेन बैक साइड ऑल्सो फॉर कीपिंग सम मनी एंड योर एटीएम कार्ड एंड ऑल स्टफ. एंड अंदर भी इसके अंदर एक चेन है, ऐसी छोटू चेन. सो लेट मी शो यू, अंदर भी इसके एक चेन है सेम, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये आप इनफ अपना छोटू मोटू सा सामान लाइक पैसे, एटीएम कार्ड और रबर बैंड एंड ऑल डाल सकते हो उसमें. इनफ स्पेस टू पुट योर स्टफ लाइक मेकअप एंड ऑल, थोड़ा मोड़ा आपको कुछ खाने के लिए रखना हो लाइक ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, तो उसमें इजीली बन जाएगा और छोटू सा पानी का बॉटल भी बन जाएगा इसके साथ. तो मुझे ये बहुत पसंद आया एंड मैं लिंक इसका इंस्टाग्राम का, इनके यूट्यूब का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट वंस, लाइक दे रियली हैव अमेजिंग कलेक्शन एंड इट्स 100% वेगन एंड मुझे ये बैग लिटरली बहुत पसंद आया. नेक्स्ट अगेन हमारा जो टॉप है वो फिर से है समर एप्रोप्रिएट ब्यूटीफुल सा टॉप और इसकी खासियत जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो इसका ये रेट्रो डिजाइन का कॉलर. मुझे कॉलर बहुत पसंद आया. आई मीन कौन कहता है कि पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती, पुराना, मुझे रेट्रो फैशन बहुत पसंद है. लाइक आप एग्जांपल देख सकते हैं, मुझे रेट्रो फैशन बहुत पसंद है. मुझे इसका कॉलर पैटर्न बहुत पसंद आया और स्ट्राइप पैटर्न तो आई थिंक सबका फेवरेट होता है. मुझे यूजुअली स्ट्राइप पैटर्न बिल्कुल भी नहीं पसंद बट मुझे इसका डिजाइन देख के लगा आई मस्ट हैव दिस वन. बहुत ही रेट्रो एप्रोप्रिएट और समर एप्रोप्रिएट मुझे फीलिंग दे रहा है, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा. ये सिंगल साइज में अवेलेबल है बट मुझे बिल्कुल भी यू नो थोड़ा सा, क्योंकि इसका डिजाइन जो है वो थोड़ा क्रॉप टाइप है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा लूज फिट है लेकिन बिल्कुल भी पहन के लूज फिट नहीं लग रहा है. और अगेन चार चांद लगाने वाली चीज इसकी स्लीव्स, लाइक लुक एट द स्लीव्स, जो चुन्नटे डली होती है पुराने टाइम पर, जब यू नो मम्मी लोगों के टाइम के जो ब्लाउजेस होते थे उनमें ऐसी स्लीव्स होती थी, तो बिल्कुल वैसी ही स्लीव्स है इसमें. और नॉट 3/4 बट हाफ हाफ स्लीव्स होते हैं. नॉर्मली स्लीव्स होती है वो यहाँ पर आके रुक जाती है बट इसके एल्बो तक आती हैं, तो इतनी स्लीव्स मतलब बिल्कुल कंप्लीट मुझे रेट्रो वाइब दे रहा है. मुझे बहुत पसंद आया, इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है. हाँ, ये चार और कलर में अवेलेबल है, ब्लू, ब्लैक, पिंक और ग्रीन, तो यू गाइस कैन गो एंड चेक इट. नेक्स्ट है ब्यूटीफुल सा ऑरेंज कलर का क्रॉप टॉप वी कैन से, और इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक है क्योंकि यूजुअली जो क्रॉप टॉप्स आते हैं ऐसे आगे से नॉट वाले, आगे से नॉट वाला है,
उसमें कॉलर नहीं दिया रहता है, बट इसमें कॉलर भी दिया हुआ था, तो इसकी ये यूनिक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि इसमें यू नो इट हैज वेरी ब्यूटीफुल दैट चुन्नट वाला स्लीव विच इज नॉट एग्जैक्ट हाफ बट किंडा हाफ, और आगे से नॉट डिजाइन है और ऊपर से कॉलर है, मतलब एक ही टॉप में इतने सारे डिजाइन दिए हुए हैं, तो और स्टिल ये बहुत ही यू नो डिसेंट सिंपल वाली फीलिंग दे रहा है, मतलब बहुत ही चटक मटक नहीं लग रहा है और स्टिल बहुत ही स्टनिंग और स्टाइलिश लग रहा है, तो मुझे इसकी ये चीज बहुत पसंद आई, दैट्स व्हाई आई परचेज्ड इट। और ऑरेंज कलर आई थिंक बहुत ज्यादा अंडर रेटेड है, बट ऑरेंज कलर यू नो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है पहनने के बाद, स्पेशली समर्स और स्प्रिंग में, मतलब स्प्रिंग और समर के सीजन में दिस इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग और समर एप्रोप्रिएट कलर, जो आपको बहुत ही कलरफुल लाइट वेट और एक अच्छी सी फीलिंग देता है, पॉजिटिव वाइब्स मुझे देता है डेफिनेटली। सो इसकी बेस्ट पार्ट ये भी है कि आप इसको यू नो एज अ सेपरेट क्रॉप टॉप की जगह आप इसको अंदर कुछ भी व्हाट टू से जस्ट लाइक ये कुछ आप ब्रालेट वगैरह कैरी करते हो, नॉट दिस टाइप का, किसी भी अदर टाइप का ब्रालेट कैरी कर, ओके सो इन शॉर्ट आप इसको एज अ जैकेट भी कैरी कर सकते हो ऊपर एज अ अपर और शर्ट और जैकेट टाइप। इसका साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल मेरे इसके साइज चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल बिल्कुल फिट हो रहा था। तीन साइज अवेलेबल है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और मीडियम, कलर इसमें एक ही अवेलेबल है ऑरेंज, और डिजाइन के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ऑरेंज बहुत ही अप्रोप्रिएट लग रहा है। आई मीन आप इसे एज अ कवर अप लाइक श्रग और जैकेट कैरी कर सकते हो, आप इसे एज अ टॉप भी कैरी कर सकते हो, तो मुझे इसकी ये चीज बहुत पसंद आई। एंड या नेक्स्ट ब्यूटीफुल सा टॉप है फिर से हमारा बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट, और ये भी मुझे रेट्रो वाली फीलिंग दे रहा है, और रेट्रो फैशन लिटरली बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत ही क्लासी लगता है और बहुत ही डिसेंट और एक फैशनेबल वाइब देता है, मुझे तो देता है। तो ये जो समर एप्रोप्रिएट होगा वो बाय वन गेट वन वाले सेक्शन में अवेलेबल था, जो अभी टर्न हो गया बाय टू गेट वन हो गया है। बाय वन गेट वन का ऑफर उनका अभी तक था, बट अभी शायद बाय वन गेट वन का कुछ दिनों पहले से उन्होंने बाय टू गेट वन कर दिया है, तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसकी सबसे अच्छी चीज लगी वो मुझे लगा इसका प्रिंट और इसका डिजाइन, ये सिंगल कलर में अवेलेबल था ब्लैक कलर में, चार साइज अवेलेबल थे स्मॉल मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, मेरा वाला जो है वो है स्मॉल। फोटो में इसको देख के लग नहीं रहा था कि इतना ट्रांसपेरेंट होगा, बट रियल में ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आप ट्यूब टॉप के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो इस टाइप की ब्रेडल के साथ भी आप कैरी करोगे उसके साथ भी जाएगा और अच्छा लगेगा। इट्स अप टू यू कि आप ट्यूब टॉप के साथ कंफर्टेबल हो कि नहीं, आप चाहे तो नॉर्मल पुशअप ब्रा और के साथ भी कैरी कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन। सो मुझे इसका प्रिंट और डिजाइन बहुत पसंद आया। आगे से इसमें छोटू सा नॉट अगर आपको दिख रहा हो, ये छोटू सा नॉट वो बहुत ही प्रिटी लग रहा है और ये क्रॉप पैटर्न में है, और प्रिंट मुझे इसका सबसे ज्यादा पसंद आया। एंड या बहुत ही सॉफ्ट और अमेजिंग फीलिंग दे रहा है, क्योंकि बाय वन गेट वन वाले ऑफर में था, तो इसी की सेम प्राइस रेंज में एक दूसरा टॉप भी मिल गया, लेट मी शो यू दैट वन ऑल्सो। क्रॉप टॉप ही है बट ट्यूब टॉप है ये, भाई ने टाइप का निटेड पैटर्न होता है ना, बिल्कुल वैसा मटेरियल है ये, और इसके अंदर देखो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है ये, तो गाइस कैन सी, तो उनका पैकिंग भी कितना अच्छा रहता है ना, चेन एंड ऑल यूजुअली काली पड़ जाती है या कुछ स्पॉट आ सकता है, तो बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली उन्होंने पैक करके भेजा है, तो मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगती है क्वालिटी के साथ साथ उनका पैकेजिंग बहुत अच्छा रहता है। और आगे जहां पर ये चेन वाला सेक्शन कनेक्टेड है ना, बिल्कुल इसमें वो स्टिच किया हुआ है, तो एक चुन्नट चुन्नट वाला डिजाइन पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट इज इन स्मॉल साइज और ये एक ही कलर में अवेलेबल था, ब्लैक कलर में। एंड या आप इसको अगर किसी यू नो ऊपर से अंदर इसको कैरी करके आप ऊपर से कोई ब्लेजर एंड ऑल कैरी करते हो, तो आपका लुक बहुत ही स्टनिंग दिखेगा और बहुत ही फैशनेबल दिखेगा वो, यू नो ब्लैक कलर के ब्लेजर के साथ, ब्लैक कलर के नहीं, आप इसको एक प्रिंटेड ब्लेजर, सिर्फ ब्लेजर या पूरे ब्लेजर सेट के साथ भी कैरी करोगे तो वो अच्छा लगेगा, ब्लेजर और पैंट जो होते हैं ट्राउजर उसके साथ ही बहुत स्टनिंग लगेगा। आप चाहे तो प्रिंटेड ब्लेजर के साथ प्लेन ब्लैक कलर का पैंट भी कैरी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। इट्स अप टू यू कि आपके वार्डरोब में क्या अवेलेबल है और आप किस तरह का स्टाइल प्रेफर करते हैं। सो हम बढ़ते हैं अगले टॉप की तरफ। नेक्स्ट जो टॉप है वो समर अप्रोप्रिएट के साथ साथ पार्टी अप्रोप्रिएट भी है। इसका जो कलर है वो है पर्पल वॉयलेट, यू कैन से वॉयलेट डार्क पर्पल जो होता है। एंड इसका जो मटेरियल है बहुत ही साटिन स्मूथ फील दे रहा है, मतलब काइंड ऑफ साटिन ही है ये, तो इसका जो मटेरियल है बहुत ही साटिन स्मूथ फील दे रहा है, और इसका डिजाइन बहुत ही पार्टी फ्रेंडली है। इट हैज अ हॉल्टर नेक, वो जो आगे होता है ना बीच में लटकने वाला, तो वो एक ऐसा डिजाइन बन जाता है। सो इट हैज हॉल्टर नेक फ्रंट साइड, और डिजाइन आप देख सकते हैं एक साइड से इसके शोल्डर पर सिर्फ ये पतला सा स्ट्राइप लगा हुआ, और एक साइड से कपड़े से वो कवर है। एंड मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा था, बट इससे छोटा साइज में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे काम चलाना पड़ेगा अभी।
इसके स्मॉल साइज है और यही मुझे लूज हो रहा है माइनर है जिन की वैसे ठीक दिख रहा है बट साइड से जो बिल्कुल नीचे से फिटिंग दिखती है वो माइनर लूज जा रही है। तो मुझे लगा थोड़ा सा टाइट होता तो वो ज्यादा अच्छा लगता। बाकी अप टू यू कि आपका साइज क्या है। तो मुझे मटेरियल बहुत पसंद आया, इसका डिजाइन बहुत पसंद आया। ये डेफिनेटली सेम कलर वाले स्कर्ट वगैरह के साथ तो जाएगा ही, पूरा पेयर बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। बट आप चाहो तो इसे डेफिनेटली व्हाइट कलर के साथ पेयर कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग दिखने वाला है। समर में आपको पार्टी क्लॉथ कुछ ऐसे कैरी करनी चाहिए डेफिनेटली जो आपको पार्टी अप्रोप्रिएट, जो डेफिनेटली पार्टी अप्रोप्रिएट के साथ साथ यू नो कम्फर्टेबल भी हो। तो क्योंकि इसका साटिन स्मूथ फील है तो ये बिल्कुल भी आपको चुभने वाला नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और कम्फर्टेबल वाली फीलिंग देगा। नेक्स्ट जो टॉप है वो मैंने स्पेशली मेरे फोटोशूट्स के लिए लिया हुआ था, बट इट्स अप टू यू। लाइक आप किसी वेकेशन पर जा रहे हो, किसी मालदीव साइड या कहीं भी आउटसाइड किसी वेकेशन पर जा रहे हो तो वेकेशन अप्रोप्रिएट बिल्कुल है। बट यूजुअली क्योंकि ये बैकलेस है, फ्रंट से ये है और बैक से पूरा इसको ये बांधने का है तो थोड़ा लोग ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं भी इसको एज अ वेकेशन पर ही कैरी करने वाली हूँ, बट मैंने स्पेशली फोटोशूट्स के लिए खरीदा था। ये बहुत ही क्लासी वाली वाइब देगा, बहुत ही स्टनिंग लग रहा है ये पहन के और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, मटेरियल बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही स्मूथ फील दे रहा है। तो बिल्कुल भी स्किन इरिटेशन एंड ऑल तो नहीं होगी, कंफर्टेबल बिल्कुल है। बट इट्स अप टू यू कि आप कितना ओपन पहनना पसंद करते हो। स्मॉल साइज में अवेलेबल है, इसमें तीन कलर अवेलेबल है, पर्पल, येलो एंड ब्लू। तो मुझे पर्पल बहुत अच्छा लगा, येलो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये ब्लू काफी अच्छा दिख रहा था। पर पता नहीं मुझे लगा कि मुझे पर्पल वाले के साथ जाना चाहिए, ये पर्पल और पिंक दोनों के साथ चला जाएगा, स्कर्ट या शॉर्ट्स या पैंट इसी के भी साथ ही, पर्पल और पिंक दोनों के साथ जाएगा, व्हाइट के साथ तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। तीन साइजेस अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, और मैंने स्मॉल ऑर्डर किया, मुझे परफेक्टली आ रहा है। इसका जो बैक साइड से जो बांधने के लिए इसमें स्ट्रिंग दिया हुआ है बहुत भी ये भी बहुत यू नो एक रेशम टाइप का धागा होता है ना, मतलब मटेरियल आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उस टाइप का ये स्ट्रिंग है और बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। और इसका लेंथ भी इतना इनफ है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा पहन के छोटा पड़ रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल कंफर्टेबल जाएगा। बट क्योंकि ये सिर्फ आगे से इतना दिख रहा है, बैक साइड से क्योंकि आपका साइड पोर्शन भी दिखेगा और बैक पोर्शन भी दिखेगा, सो अगर आपका एरिया थोड़ा सा ज्यादा है सो मेक श्योर कि आप स्मॉल की बजाय मीडियम साइज के लिए जाएं, क्योंकि इसमें साइज का तो कोई इशू ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप इसको टाई किसने टाइटली करते हो, तो जैसे आप इसको टाई करोगे उसी पर डिपेंड करता है। एंड या नेक्स्ट जो टॉप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्हाइट कलर का टॉप है, ये है अपना कामी टॉप जो होते हैं बिल्कुल वही है ये। मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद आया, लाइक ब्लेजर के अंदर तो जाएगा ही जाएगा और नॉर्मली भी आप इसे एज अ जैसे कामी टॉप कैरी करते हो उस तरह कर सकते हो, लाइक आपके ब्रालेट टॉप स्टाइल ये बहुत अच्छा लगेगा। सो बहुत ही ये एस्थेटिक वाली वाइब दे रहा है मुझे। हे गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो अलॉट एंड कहीं जाना नहीं है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा। आप लोग बेल आइकन क्लिक नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर देते हो, तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा और फिर से कहीं नहीं जाइएगा, हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बताना मत भूलना कि आज का मेरा ये बोहो लुक कैसा लगा।